लोकसभा चुनावों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिश में एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। इसके चलते कोई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है तो कोई अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रहा है। ऐसे में बीजेपी की आईटी सेल भी लोकसभा चुनावों में अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जुट गई है। बीजेपी के आईटी सेल आने वाले रविवार को सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा के अलावा कई विधायक और मंत्री शामिल होंगे। मीट का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर जुड़े वॉलंटियर्स को बीजेपी की नीतियां बताना और उन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ें और नरेंद्र मोदी को दोबारा से देश का प्रधानमंत्री बनाएं। देखिए 31 तारीख को एक सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स की मीट हो रही है और उन सब का जो रजिस्ट्रेशन है वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और आसपास के क्षेत्रों से हुआ है। ज़्यादातर इसमें यंग वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इच्छा जताई है कि वो इस बार 2019 में प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में जुड़ना चाहते हैं। उन सब वॉलंटियर्स को हमने आमंत्रित किया है और यहाँ पर हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी रहेंगी, हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे खट्टर जी, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बराला जी वो भी यहाँ रहेंगे, और साथ में हमारे अमित मालवीय जी जो हमारे हिंदुस्तान के आईटी के हेड हैं वो भी रहेंगे। इनसे हम इंटरेक्शन करेंगे, इनको एक पार्टी का विजन देंगे। वो लोग ऑलरेडी पार्टी के एक समर्थक के रूप में सीधा सीधा सदस्यता ना लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, वो हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ को नीचे लोगों तक ले जाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है, और उस दिन उनसे एक बड़ा संवाद होगा।